हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। मैं बहुत सारे कंपनी के फंडामेंटल्स और उनके लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। और जो भी स्टॉक मैं इस वीडियो में बताता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के लिए और नॉलेज पर्पस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे 22,055 पर आपको क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। आज कुछ आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, सिर्फ 32 पॉइंट की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही थी। शुरुआत में आपको गैप अप में ओपनिंग हुआ, मतलब जो प्रीवियस क्लोज था उससे नीचे ही मार्केट ओपन होता हुआ देखने को मिला। बाद में उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और बाद में समय अराउंड 12 o'clock को आपको थोड़ा मार्केट में तेज़ी देखने को मिली और उसी में आपको ग्रीन हरे कलर में आज आपको मार्केट क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 32 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको इंडेक्सेस के लेवल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ बैंक ऑटो में आज हरियाली देखने को मिल रही थी, जो कि 1.26 की पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी मीडिया में आपको 1.15% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी मेटल में आपको 2.49% की तेज़ी देखने को मिल रही थी और बाकी सभी आपको मार्केट को थोड़ा प्रेशर ही क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहे थे। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गिरावट आपको आज निफ्टी आईटी में देखने को मिल रही थी, जो कि 1.64% की आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके बाद FISDIS के डाटा देखेंगे तो आप देख सकते हैं आज तो FIS ने जम के माल सेल किया है, समय अराउंड 2,051 crores का आपको माल सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑन द अदर साइड आपको DIS ने मार्केट को थोड़ा संभाला है, जो कि 2,200 crores का आपको बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट कैसे हैं, अगर आप ग्लोबल मार्केट की ओर देखेंगे तो आपको पूरा फ्लैटी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप जर्मनी के बाज़ार देखेंगे, कुछ आपको ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, 0.01% है। और यूके का बाज़ार देखेंगे 0.10% है। फ्रांस के बाज़ार में सब फ्लैटी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप डाउ जोन्स देखेंगे तो फिलहाल पर आपको 155 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये रात भर कैसे चलेगा हमको वेट करके देखना पड़ेगा। उसी के साथ अगर हम नैसडैक देखेंगे, वो भी आपको 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि आपको अमेरिका के आईटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी उसकी भी हमको रात भर देखना पड़ेगा कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड आपको फिलहाल पर 85.69 पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि जो पहले एक ज़माने में 80 के नीचे ट्रेड कर रहा था, अभी 85 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा रिकवरी आपको क्रूड ऑयल में भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद डॉलर INR देखेंगे तो 82.89 पर आपको ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 83 के नज़दीक आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो अगर आप देखेंगे निफ्टी आईटी में, सो आपको आज देख सकते हैं 1.64% की गिरावट देखने को मिल रही थी, जो कि 600 पॉइंट्स की टोटल गिरावट आपको आज निफ्टी आईटी में देखने को मिल रही थी। सो उसके पीछे एक कारण बोल सकते हैं कि इकरा ने एक रिपोर्ट निकाला है कि आईटी सेक्टर का जो FY 2025 का जो रेवेन्यू प्रेडिक्शन है वो बता रहे हैं कि म्यूटेड रहने वाला है, मतलब ज़्यादा आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 3-5% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा करके इकरा ने बताया है। अगर आप इकरा देखें तो एक रेटिंग एजेंसी है, इसने इसके बारे में मतलब फोरकास्ट किया है कि फॉर द ईयर 2025 जो इनका रेवेन्यू है अराउंड 3-5% की ग्रोथ आने वाला है और हायरिंग देखेंगे तो वो भी आपको म्यूटेड ही देखने को रहेगा करके इन्होंने प्रेडिक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न यही कि जो अमेरिका और यूरोप में जो आपको मंदी देखने को मिल रही है वो कंटिन्यू रहने वाली है और उनका जो आईटी स्पेंडिंग है वो थोड़ा आपको ज़्यादा होने वाला नहीं है, मतलब जो अराउंड हल्का सा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको इनके बिजनेसेस में आपको समय अराउंड 3-5% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी करके ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसी के साथ वो बोल रहे हैं कि जो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको समय अराउंड 22% से चलने वाला है। बता रहे कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है करके ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर आईटी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे कंपनी सबको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, सो उसमें आपको कोई भी मतलब बहुत सारे दिग्गज कंपनी सबको देखने को मिल जाते हैं, उनका बिजनेस
भी अच्छा खासा चलता है, लेकिन जो एक्सटर्नल रीज़न है इसी की वजह से आपको थोड़ा हल्का सा गिरावट आपको आई टी इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक वाइज देखेंगे तो आप देख सकते हैं आज कोफोर के एक छोटी कंपनी है उसमें आपको 6.81% की गिरावट देखने को मिल रही थी। एच सी एल टेक आपको 0.08 थी। इन्फो में आपको इन्फोसिस में 1.197, एल टी आई एम में 0.73, एल टी टी एस में 0.96% की गिरावट, एम्फोसिस में 0.75% की गिरावट और परसिस्टेंट सिस्टम में आपको 3.27% की गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके साथ टी सी एस में देखेंगे तो 1.72% की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। टी सी एस में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की साइड से आपको एक न्यूज़ देखने को मिल रहा है जो कि जो टाटा सन्स है वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं समेर अराउंड, बहुत ही हल्का सा स्टेक सेल कर रहे हैं, कोई बड़ा सेलिंग नहीं है। वो बता रहे हैं कि 0.64% की अपने जो प्रमोटर होल्डिंग है थोड़ा टी सी एस में सेलिंग कर रहे हैं समेर अराउंड 2.3 crores ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, वो अभी सेल कर रहे हैं समेर अराउंड ब्लॉक डील के थ्रू 4001 rupees पर शेयर के अमाउंट से वो सेल कर रहे हैं करके रिपोर्ट के द्वारा ये आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। अभी तो कोई ऑफिशियल नहीं है लेकिन रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि ब्लॉक डील में ये डील हो रहा है करके। सो अभी देखना पड़ेगा कि टीसीएस इसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन देता है, अगर ब्लॉक डील है तो वो पक्का हो रहा है, हो जाएगा। अगर कुछ अफवाहें हैं तो आपको टीसीएस के द्वारा आपको क्लैरिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप टी सी एस का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 72.41% आपको प्रोमोटर के पास देखने को मिल जाता है। उसमें टाटा सन्स के पास आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि 72.38% की होल्डिंग उनके पास है, उनमें से वो 64% की सेलिंग करने वाले हैं। सो समर अराउंड 71 कुछ आपको देखने को मिल सकता है ये जो अगर ये जो न्यूज़ आई है अगर वो सच हो गई तो। अगर आप आज का क्लोजिंग प्राइस देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी का जो कि 4,152 rupees देखने को मिल रहा है। सो इनका जो ब्लॉक डील का अमाउंट है वो समर अराउंड 4,000 है करके रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। सो अभी देखना पड़ेगा, जब न्यूज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ आदित्य बिरला कैपिटल, सो अगर आप देखेंगे इनका एक एएमसी है जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी करके, सो उन्होंने बता रहा है कि इनका जो सेबी का जो रूल्स है जो कि 75% का शेयर होल्डिंग होना चाहिए, 75% प्रमोटर के पास, 25% अदर इंस्टीट्यूशन पब्लिक या FISDS जो भी है उनका होल्डिंग होना चाहिए। सो अभी फिलहाल पर अगर आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ जो ये कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, इनमें प्रमोटर होल्डिंग जो कि आपको देख सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल और एक एजेंट और जो प्रमोटर होल्डिंग है तो उनका टोटल मिलाकर आपको 86% का प्रमोटर स्टेक देखने को मिल रहा है। सो अभी वो समर अराउंड 11% का आपको आदित्य बिरला कैपिटल आपको विल सेल 4.99% का स्टेक सेल करेंगे वाया OFS के थ्रू, और एक जो एंटिटी है वो भी टोटल मिलाकर समर अराउंड 75% तक ही अपना स्टेक लाना चाहते हैं करके आपको आज जो इनका जो कमिटी है उन्होंने अप्रूवल देता हुआ देखने को मिल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। सो अभी जो सेलिंग है वो अप्रूव मिल चुका है। सो बता रहे हैं कि समर अराउंड 450 rupees पर ये पर शेयर अभी सेल करने वाले हैं करके, आपको ब्लॉक डील के थ्रू ये होने वाला है करके आपको न्यूज़ आपको मतलब रिपोर्ट के द्वारा आई है। सो अभी जिन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, अगर आप देखेंगे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास, सो उनमें से आदित्य बिरला कैपिटल के पास आपको 49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और सन लाइफ AMC इन्वेस्टमेंट ये भी आदित्य बिरला की कंपनी है, सो उसमें आपको 36.48% होल्डिंग देखने को मिल रहा है। सो ये दोनों मिलकर समर अराउंड 11% का अभी स्टेक ऑफलोड करने वाले हैं। सो जो इसीलिए उनको 75% का कंप्लायंस फॉलो करना है, ये हमको करना है बिफोर सितंबर 2024, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंपनी लिस्ट होकर ऑलमोस्ट आपको 3 साल हो जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं लिस्टिंग हुई थी 2021 अक्टूबर में, सो आपको सितंबर तक इसका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके पहले इनको ये ऑफलोड करना पड़ेगा, सो इसीलिए ये लोग अभी अपने स्टेक सेल करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5 साल से आपको अभी भी 32% की डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन ये कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% वाइप आउट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपको कुछ अच्छा खासा रिकवरी इस कंपनी में देखने को मिल रहा है।
सो अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखेंगे तो अभी आपको 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। एक काइंड ऑफ आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी के इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। रेवेन्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 223, 349, 447, 494, 526, 623, 596, ठीक ठाक कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी देखना पड़ेगा कल इसका परफॉर्मेंस आपको मार्केट में कैसे देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।